अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा एक वर्णन किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो शाम के ब्लॉक वाइज कह रू तो शाम सबके इस गांव में, इस गांव में, ये गांव में। मैं इस सारी रिपोर्ट इनकी सब लिखी गई है और मैं समझता हूँ लिखित भी आप दे देंगे, इस सदन में मैं घोषणा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंक्वायरी देवेंद्र सिंह जी के देखरेख में कमेटी बनेगी, 24 घंटे में इंक्वायरी होकर के आएगी कि जितने इन्होंने ये बताए हैं गांव, इन गांव में इनके वाटर वर्क्स में कितना कितना पानी है। अगर जो इन्होंने बताया है तो फिर हम डिपार्टमेंट पर एक्शन करेंगे, और जो इन्होंने बताया उसमें गलती मिलेगी तो अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय करें कि सदन में किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। दोनों में से कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आएगी। हिसार में उठा ये विषय, गुरुग्राम में उठा ये विषय, रेवाड़ी में उठा, हाँ सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई, और दो जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है, हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है, मेरे पास नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है SDM की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहां जो मृत्यु हुई है, 24-25 अप्रैल की बात है तो 80-90 सिलेंडरों की खपत पहुंच गई, उनके पास केवल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमसे भी डिमांड की गई, हमने जहां भी इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको ही बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा COVID-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यह SDM की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिलाकर के उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है, सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो SP हिसार को दे दी गई है, SP हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जरूर स्पेशल रिपेयर, क्योंकि हाई ट्रैफिक रोड है, इसकी हम करवाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने के अंदर इसकी DPR भी टेंटेटिवली तैयार हो जाएगी, सारे सर्वेज हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है उसके 1.25 साल के अंदर अंदर DPR तैयार होने की, लगभग mid-2023 से पहले कुरुक्षेत्र से लेके यमुनानगर तक का जो ये हमारा जंक्शन है इसको हम 4 लेन करने का काम करेंगे।